मैंगलोरियन स्टाइल तवा फ्राई, इसे बनाना इतना इजी है कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए तो फिर देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजस्वी आपका सभी का मज्जूस किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको रोज रोज वही वही फिश फ्राई, रवा फ्राई, तवा फ्राई खा के बोर हो चुके होगे, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगलोरियन स्टाइल तवा फ्राई। इसमें आज हम करेंगे सुरमई फ्राई। चलिए तो फिर ज्यादा टाइम नहीं गवाते, देखते हमारी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन में ले लिया है जीरा एक चम्मच और मेथी के दाने आधी छोटी चम्मच। इसे हम रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से रोस्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने गर्म पानी में 10 से 12 सूखी लाल मिर्चियाँ भिगोने रख दी थी। इसे हम मिक्सर में निकाल लेते हैं। हमें इसके बहुत फाइन से इसे पेस्ट कर लेनी है। इसमें मैंने डाल दिए हैं लहसुन की कलियाँ 8 से 10, करी पत्ते करी लीव्स 8 से 10 और नमक स्वाद के अनुसार। अब यहाँ पर हमने जो ये रोस्ट करके रखा हुआ था जीरा और मेथी के दाना, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे ढक्कन बंद करके पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बहुत फाइन होनी चाहिए, थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये मसाला बन गया है। यही मसाला अभी हमें ये फिश को मैरिनेट करना है। हमने यहाँ पर किंग फिश या जिसे हम सुरमई कहते हैं उसके फिलेट्स ले लिए हैं, 3 फिलेट्स ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। ये मसाला हमें फिश को अच्छी तरह से लगाना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है पूरी फिश पर, और हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन करने रख देंगे या फिर छोड़ देंगे। अब हमारा जो बचा हुआ मसाला था वो मैंने एक बॉल में निकाल लिया है और इस मिक्सर में पानी डालकर मिक्स कर लिया है। यही पानी हम इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर पैन में मैंने तेल ले लिया है, हमने जो फिश मैरिनेट किए हुए थे उसे हम रोस्ट कर लेंगे। दोनों साइड पर 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। ये रेसिपी मैंने ट्राई की है, फिर आपके पास इसे लेके आई हूँ ताकि आपकी ये फुल प्रूफ रेसिपी बने। इस रेसिपी को एक ट्राई तो ज़रूर दीजिएगा। घर वालों के लिए बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, बहुत अच्छी बनती है ये, ट्रस्ट मी। अब यहाँ पर फिश फ्राई हो चुकी है, मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। देखा कितना आसान था ना। बस आगे एक छोटी सी स्टेप, बचे हुए तेल में मैंने ले लिया है बटर। आप ले सकते हो बटर या फिर उसी तेल में ये बना सकते हो। बटर मेल्ट हो जाए हल्का सा, फिर हम उसमें डालेंगे 4 से 5 करी पत्ते। ये चटकने लगे अच्छी तरह से, फिर हम उसमें डालेंगे हमने जो ये मसाला बनाकर रखा था पानी डालकर, वही मसाला 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए। ये मसाला आप देखोगे 1-2 मिनट के बाद थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, आप फिर उसमें पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच पानी ऐड किया है। इस मसाले को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट तक ही आपको इसे रोस्ट करना है और ये मसाला हो जाता है रेडी। अब हमने फिश फ्राई की है, उसके ऊपर ये मसाला हम डाल देंगे। वाव कितना टेम्पटिंग, वाव, और मुंह में तो पानी आ गया। जल्दी से ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मंजूस किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। ये मसाला डालने के बाद हम उस पर गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ और कटे हुए हरी बारीक मिर्ची के साथ। इसके ऊपर आप चाहो तो डाल सकते हो थोड़ा सा नींबू और आपकी रेसिपी हो गई है रेडी। इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म एंड एंजॉय।